फ्रॉम लर्न platform प्लेटफॉर्म लर्न मैथ साइंस एस एस टी absolutely एट लर्न डॉट कॉम बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे अपने क्लास सिक्स की चैप्टर नंबर फाइव अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.8 एंड 5.9 पूरी की पूरी फिनिश तो देर किस बात की है आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है Examine whether the following are polygons. If anyone among them is not say why? Okay. आप देखिए हमें यहाँ पर कुछ figures दिए गए right? तो हमें पता करना है कि ये polygons हैं या नहीं तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए इसके लिए मालूम होना, होना चाहिए polygons की definition। तो polygons की definition क्या होती है पॉलीगन होते हैं हमारे क्लोज्ड फिगर ओनली मेड अप बाय लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट से ही बने होने चाहिए और वो कैसे होने चाहिए क्लोज्ड फिगर होने चाहिए तो चलिए इसी बेसिस पर हम देखते हैं अपने सारे के सारे जो हमें फिगर गिवन है क्या वो है पॉलीगन्स या नहीं अब देखिए अगर आप पहला वाला देखेंगे तो ये बना तो लाइन सेगमेंट से ही है लेकिन क्या ये क्लोज्ड फिगर है नहीं है तो क्या ये पॉलीगन है बिल्कुल नहीं है तो हम लिखेंगे एक आंसर इट इज नॉट अ पॉलीगन राइट बिकॉज इट इज नॉट अ closed फिगर बिकॉज इट इज नॉट closed. Also आप केवल देख सकते हैं ठीक है आप देखिए आते अपने बी पार्ट पर तो बी पार्ट में हमारा देखिए क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है बिल्कुल बना है सारे का सारा देखिए अब लाइन सेगमेंट ही है और क्या ये क्लोज्ड है बिल्कुल है क्योंकि देखिए ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्लोज्ड का मतलब क्या होता है आप जहां से बिगिन कर रहे हैं आपका एंड पॉइंट भी वहां पर ही आ रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया हमारा पॉलीगन तो हम लिखेंगे बी वाला हमारा जो है यस इट इज अ पॉलीगन बिकॉज इट इज it फिगर इट closed figure फिगर up बाय लाइन सेगमेंट तो चलिए ये दोनों पार्ट तो आपको पक्का से पक्का क्लियर हो ही गए होंगे हम चलते हैं अपने सी एंड डी पार्ट पर तो बच्चों देखो सी पार्ट सी पार्ट में ये तो पूरा का पूरा कर्व लाइन है यानी कि एक सर्कल है और सर्कल हमारा क्लोज फिगर नहीं होता है क्योंकि सॉरी सर्कल हमारा क्लोज फिगर होता है लेकिन ये पॉलीगन नहीं होता है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट बिकॉज इट इज नॉट मेडअप सेगमेंट अब देखते हैं अपना डी पार्ट अब डी पार्ट में देखिए ये जो किस तरह का फिगर है इसमें लाइन सेगमेंट्स भी हैं और कर्व लाइन भी है तो हम ऑब्वियसली इसको नहीं कहेंगे पॉलीगन क्योंकि ये क्लोज फिगर तो है लेकिन ये पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से नहीं बना है तो चलिए लिख देते हैं इसका आंसर भी नो इट इज नॉट अ पॉलीगन राइट और क्या रीजन है इसका वो भी बता देती हूं बिकॉज इट इज नॉट मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स। क्योंकि यहां पर हमें एक कॉम्बिनेशन दिख गया कैसा वो है हमारा कर्व लाइन ठीक है तो आई होप आपको सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है नेम ईच पॉलीगन मेक टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दीज तो ठीक है सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो ये पॉलिगन दिए गए उनका नेम बताना है और उसके बाद हमें ऐसे ही दो और एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि उस कैटेगरी में आते हो तो देखिए पहला फिगर हम देखते हैं तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे तो देखिए पहले फिगर में हमारे हैं फोर लाइन सेगमेंट राइट और फोर लाइन लाइन सेगमेंट वाले पॉलीगन को हम क्या कहते हैं क्वाड्रीलेट्रल तो चलिए लिख देते हैं ये क्या है क्वाड्रीलेट्रल ठीक है आप देखिए क्वाड्रीलेट्रल्स के और क्या एग्जाम्पल्स होते हैं हम सबको पता है हम बना सकते हैं अपना स्क्वायर हम बना सकते हैं अपना क्टेंगल राइट right? हम बना सकते हैं अपना रोमबस और काइट एनी थिंग राइट तो ये होगा हमारे एग्जाम चलिए अब आते हैं अपने बी पार्ट पर तो बी पार्ट क्या है हमारा ट्राइंगल है थ्री साइड्स है ठीक है और थ्री साइड्स वाले को हम क्या कहते हैं ट्राइंगल ये है तो हमारा पॉलीगर लेकिन ये कैसा है ट्राइंगल तो चलिए लिख देते हैं बी है हमारा ट्राइंगल और हमें क्या पता करना है ऐसे दो और एग्जाम्पल्स देने हैं तो दो और एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे हमारे हम ले लेते हैं अपना स्केल एंड ट्राइंगल और फिर हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल या इक्ुलेट्रल कुछ भी ले सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ले लिया है क्योंकि ये काफी यूजफुल ट्राइंगल होता है ठीक है तो ये तो हो होगा हमारे फर्स्ट ए एंड बी पार्ट के आंसर्स अब करते हैं अपने सी एंड डी को तो चलो बच्चों देखते हैं अपना सी पार्ट तो सी पार्ट में आप देखिए कितने लाइन सेगमेंट है फाइव लाइन सेगमेंट वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं पेंटागन तो चलिए ये किस तरह का है इसका नाम दे देते हैं हम सी में हमारा है पेंटागन और कोई और शेप बना देते हैं जो पेंटागन की तरह लेकिन तो लीजिए ऐसा कुछ बना देते हैं ठीक है और फिर ऐसे कुछ बना देते हैं है ना तो कुछ भी शेप बना सकते हैं तो हमने एक और दो और एग्जांपल्स दे दिए हम करते हैं इसका डी पार्ट तो देखिए बच्चों जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या है जैसे आप इसके लाइन को काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये क्या है एट एट साइड्स वाला पॉलीगन और इसको हम क्या कहते हैं ऑक्टागन तो हम लिख देंगे यहाँ पर ऑक्टागन चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं अपने ऑक्टागन के तो देखिए ये भी हमारा ऑक्टागन है क्योंकि क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से

कोशिश करूंगी कि ये मेरा लगे रेगुलर हेक्सागन अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि ये लगे रेगुलर हेक्सागन रेगुलर का मीन मीनिंग क्या होता है कि सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए ठीक है अब देखिए हम ले लेते हैं कुछ नाम इसके सारे वर्टिसेस के जहाँ पर टू लाइन सेगमेंट मीट हो रहे हैं ठीक है तो चलिए ये तो हो गए नेम हमारे वर्टिसेस के ये मैंने इसलिए लिखे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि एग्जैक्टली हमने क्या किया है ठीक है अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दू और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो ठीक है तो देखिए एक ही बन गया हमारा किस तरह का अगर आप देखेंगे तो ये बन गया हमारा या तो आप कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है या फिर देखिए हमें ये दोनों कहीं ना कहीं अन एकवल रख रही हैं तो ये हो जाएगा हमारा स्केल एंड ट्राइंगल राइट अब देखिए ये तो हो गया हमारा वन ट्राइंगल अब हम अगर इस पे जाए टू पे तो देखिए ये दोनों तो इक्वल हैं

मैंने ये इससे यहाँ ज्वाइन की ठीक है अब देखिए इसके नॉन एडजेसेंट क्या है सी डी डी तो एडजेसेंट है ई e, तो ये जब ड्रॉ कर दी ठीक है अब देखिए ई e के एफ एडजेसेंट है लेकिन ए नहीं है तो देखिए इसको ड्रॉ किया अब जब आप इसको कर रहे हैं तो आपको ना किस तरह का ट्राइंगल मिलेगा ये मिलेगा जब भी आप नॉन एडजेसेंट वर्टेस को ड्रॉ ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा इक्वी लेटरल ट्राइंगल तो देखिए मैंने आपको तीन ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखा दिए तो देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं था आई होप आपको ये अच्छे तो समझ में आ गया होगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन यूज स्क्वेड पेपर इफ यू विश ओके ड्रॉ रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली फोर ऑफ द वर्ट ऑफ द ऑक्टागन ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या है? ट्राइ करना है ट्राई करना है एक रेगुलर ऑक्टागन ड्रॉ करने का रेगुलर क्या होता है रेगुलर वो होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं तो देखिए बच्चों मैंने कुछ ट्राई किया है लग नहीं रहा है एग्जैक्टली रेगुलर है क्योंकि सारे साइड्स इक्वल नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे सफिशियंट है आप देखिए वो क्या कह रहे हैं ड्रॉ रेक्टेंगल बाई ज्वाइनिंग एक्जैक्टली फोर ऑफ द वर्टिसेस तो देखिए एक तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा ये वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी मेरी आ नहीं रही है क्योंकि रेगुलर बना नहीं है नहीं तो ये बिल्कुल आएगी तो देखिए यहां से यहां और यहां से यहां जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हमारा बन जाएगा चलिए मार्क कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच तो देखिए e, रेक्टेंगल केवल इतना पार्ट आप देखिए ठीक है थीके? ये दोनों और ये, ये दोनों ठीक है तो ए बी एफ ठीक है अब दूसरा देख लीजिए अगर आप इन दोनों को भी ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये जो है ना हमारा डी सी एच जी ये भी हमारा क्या है रेक्टेंगल है तो ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा ठीक है तो दो तरीके से हमारा रेक्टेंगल बन गया ऑक्टागन में तो देखिए एक हो जाएगा हमारा डी सी डी जी एच ठीक है ये भी एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल हो गया तो बहुत ही आसान था इसमें कुछ करना ही नहीं था हमें बस देखना था कि रेक्टेंगल हम कौन सी वर्टिसेस को लेके ड्रॉ कर सकते हैं तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बच्चे हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है नी टू वर्टिस ऑफ द पॉलीगन एन इज नॉट अ साइड ऑफ अ पॉलीगन राइट बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा डायगनल क्या होता है वो कभी भी नहीं होता है साइड ऑफ द पॉलीगन वो क्या करता है दो नॉन एड जो ज्वाइन करता है और हमेशा इनसाइड साइड करता है ठीक है आप देखिए और हमारे जो साइड्स ऑफ द पॉलीगन होती है वो होती है उसकी बाउंड्रीज राइट आप देखिए हमें क्या करना है है अ अ रफ स्केच ऑफ पेंटागन एंड इट्स बहुत ही आसान सबसे पहले हम एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं अपने पेंटागन का ठीक है तो पेंटागन कुछ ऐसे बन जाता है हमारा फाइव साइड से ठीक है आप देखिए दो नॉन एडजेसेंट साइड्स को हमें ज्वाइन करना है तो अब देखिए पहले हम यहाँ पे इनके नाम लिख देते हैं अब दो adjacent vertices को हम ले लेते हैं तो देखिए ये हो गया हमारा पहला डायगोनल ए सी ठीक है अब देखिए उसके बाद हम लेते हैं अपना बी डी या चलिए ए सी से ही ले लेते हैं तो ये हो गया हमारा एक और ठीक है AD, राइट अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं अपना एक और ये हो गया हमारा ठीक है ये हो गया बी डी ठीक है अब देखिए ये भी हो जाएगा हमारा कहीं ना कहीं ठीक है ई e सी राइट और देख लेते हैं तो कितने हो गए हमारे अभी तक लिख लेते हैं उनके नाम ए सी फिर हमारा हो गया हमने जो ड्रॉ किया था ए डी ठीक है और फिर हमारा हो गया था बी डी और फिर हमने ड्रॉ किया अभी अपना एक ई e सी ठीक है अब देखते है, अब कौन सा हो सकता है आप देख लेते हैं अपना और कौन सी नॉन साइड है जो हम ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल इसको कर सकते हैं ई e एंड तो क्या हो गया बी तो देखिए कितने डायगनल ड्रॉ कर लिया है? हमने अपने फाइव वन टू थ्री फोर फाइव और सारे के सारे क्या हैं वो लाइन सेगमेंट हैं जो कि दो नॉन एडजस्टेंट वर्टसिस को

कौन इनमें से कौन सा शेप है जो कौन में है वो है हमारा सेकेंड तो एक आंसर हो गया सेकेंड अब आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं कौन आता आइसक्रीम कौन देखते हैं राइट आइसक्रीम आप लोग बहुत खाते हैं तो आइसक्रीम कौन और क्या इसका एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं एक और एग्जाम्पल जो कि है हमारा बर्थडे कैप अगर आप किसी के यहाँ बर्थडे में जाते हैं तो आपको एक कैप मिलती है पहनने के लिए और वो किस तरह की होती है वो होती है हमारी एक कौन शेप में ठीक है अब आ जाते हैं स्फीयर स्फीयर का तो बहुत सारा एग्जाम्पल दिखता है हमें अपनी डेली लाइफ में तो यहाँ पे कौन सा फिगर है जो स्फीयर है वो है हमारा फोर्थ तो बी का आंसर हो गया हमारा फोर्थ वन अच्छा चलिए फटाफट दे दीजिए एग्जाम्पल्स आई एम वेरी मच श्योर आपको आते होंगे एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे हमारे स्पीयर के यस yes, आप डेली खेलते हैं फुटबॉल तो फुटबॉल हो गया राइट right? आप प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो प्लैनेट्स भी क्या हैं स्पीयर हैं आपका अर्थ क्या है एक स्पियर है तो चलिए अर्थ लिख देते हैं और क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप और भी सोच लीजिए और लिख दीजिए ठीक है अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वन पर सी पर सी क्या है सिलेंडर तो सिलेंडर हमारा कौन सा है सिलेंडर है हमारा फिफ्थ वन बहुत ही आसान है तो चलिए अब सी का हो गया हमारा फिफ्थ वन राइट तो फिफ्थ वन और क्या एग्जाम्पल हैं अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं जो वो हम ले सकते हैं अपना गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर कैसा होता है वो हमेशा होता है हमारा एक सिलेंडर शेप और उसके बाद ले सकते हैं अपनी बॉटल बॉटल को हम कैसे भूल सकते हैं वाटर बॉटल अधिकतर हम लोग जो यूज करते हैं वाटर बॉटल वो किस शेप में होती है वो भी होती है सिलेंडर शेप में और आपका होता है रोड रोलर वो भी होता है एक सिलेंडर शेप में तो देने तो हमें सिर्फ टू ही एग्जाम्पल्स थे मैंने यहाँ पे लिख दिए अपने थ्री एग्जाम्पल्स ठीक है तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा आप चलते हैं अपने इसके डी पार्ट पर तो चलिए बच्चों डी देखते हैं तो डी क्या है कुबॉइड हमारा कौन सा है ये यानी कि हमारा डी का आंसर होगा थ्री और क्यूबॉइड तो आप दिन रात अपने यहाँ किसी ना किसी शेप में देखते ही रहते हैं तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं अपना ज्योमेट्री बॉक्स क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री बॉक्स राइट right? आपका कोई भी पेंसिल बॉक्स अधिकतर होता है क्यूबॉयड शेप में ही फिर आप ले लीजिए अपनी बुक बुक कैसी होती है हमारी बुक हमेशा होती है क्यूबॉयड शेप में हमारे यहाँ डेली कुछ ना कुछ बॉक्सेस आते रहते हैं जिनमें कुछ ना कुछ पैक होके आता रहता है वो भी हमारे इधर होते हैं क्यूबॉय शेप में या क्यूब शेप में तो वो भी आप लिख सकते हैं ठीक है ब्रिक ब्रिक होती है हमारी क्यूब और क्यूबॉयड दोनों ही शेप में पाई जाती है तो हम इसको दे सकते हैं एग्जाम्पल बॉयड के शेप में क्या है हमारा ब्रिक तो देखिए मैंने आपको बहुत सारे अधिकतर जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं हमें कुबॉइड शेप के एग्जाम्पल वो दे दिए ठीक है हम चलते हैं अपने ई पार्ट पर आप देखिए ई है हमारा पिरामिड और पिरामिड कहाँ है हमारा ये रहा आप देखिए डेली लाइफ में पिरामिड हमें कहाँ देखने को मिलता है चलिए बताते हैं आपको फटाफट ई e का करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन एक तो आपने इजिप्ट की बहुत बात सुनी होगी वहाँ पे जितने भी हमारे पैरामिड्स हैं वो इसी शेप के हैं पैरामिड शेप के यानी कि पैरामिड शेप ही वहाँ से आए उनका नाम ही पैरामिड है ठीक है उसके बाद इजिप्ट के पैरामिड्स हो गए और फिर और फिर हम बात कर सकते हैं डायमंड की यस तो डायमंड अधिकतर होते हैं हमारे पैरामिड शेप में तो ये भी बहुत आसान था कुछ था ही नहीं इसमें तो चलिए आई होप आपको सारे मैच क्लियर हुए होंगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.9 का क्वेश्चन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर टू में हमसे बस पूछा गया कि, कि ये जो हमें चीजें दी गई है ये किस शेप की हैं तो चलिए फटाफट लिख देते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यानी जोमेट्री बॉक्स वो क्या शेप होता है वो होता है हमारा क्यूबॉएट राइट अब उसके बाद ब्रिक, ब्रिक भी होती है हमारी सिक्स राइट और फिर हमारा हमारा मैच बॉक्स, मैच बॉक्स भी होता है हमारा, और फिर आ गया रोड रोलर तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसकी बात की थी ये क्या होता है हमारा सिलेंडर और स्वीट लड्डू लड्डू तो सभी लोग खाते हैं वो क्या शेप होती है वो होती है हमारी स्पियर है ना कुछ कुछ बॉल जैसा ही तो होता है लड्डू तो वो होता है हमारा स्फीयर आई होप आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे तो बच्चों ये तो गल लिया हमने अपने चैप्टर नंबर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.8 एंड 5.9 को पूरा फिनिश आई होप आपको सारे के सारे सोल्यूशन अच्छे से तो समझ में आए होंगे हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है